परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देश के अनुसार मैं आपको शिक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ी बात करूंगा विस्तार में। मेरी बात शुरू करने के पहले एक कहानी सुनाता हूं आपको, सच्ची कहानी। उस कहानी में मेरी बात का पूरा निष्कर्ष है। कहानी हमारे देश के एक वैज्ञानिक की है, उनका नाम था प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस। आपने सुना, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए अपने भारत देश के। हम सभी भारतवासियों को उनके ऊपर बहुत गर्व है, गौरव है। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने एक रिसर्च किया था, वो भी आप सब जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये भी मनुष्यों की तरह से सुख दुख के भागीदार होते हैं। पेड़ों में, पौधों में वैसा ही जीवन है जैसा मनुष्यों में होता है। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से हंसते हैं, रोते हैं, खिलखिलाते हैं। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। सब कुछ उनमें मनुष्यों जैसा ही होता है, बस इतना ही है कि भाषा नहीं है उनके पास, बाकी सब है। ये काम करने के लिए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, उसकी कहानी है। उन्होंने क्या किया, अपने घर में गमले लाए। गमले आप समझते हैं जिसमें पौधे लगाते हैं। तो घर के दो हिस्से कर दिए उन्होंने, एक हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे उसमें लगाए, दूसरे हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे लगाए। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस क्या करते थे, रोज सवेरे उठते थे और एक तरफ के जो पौधे वाले गमले हैं उनको गालियां देते थे, तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम बदसूरत हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। ये खूब गालियां देते थे पौधों के सामने। दूसरी तरफ के पौधों के सामने जाके वो उनकी इतनी बढ़ाई करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सद्गुणी हो, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां हैं, तुम्हारा इतिहास बहुत ऊंचा है, तुम्हारा भूगोल बहुत अच्छा है। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते थे। 6 महीने लगातार प्रोफेसर साहब ने यह परीक्षण किया। परिणाम जानते हैं क्या हुआ, जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो सब मुरझा गए और जिन पौधों की वो प्रशंसा करते थे, बढ़ाई करते थे, वो सब खिल खिला के दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे। इस पूरी कहानी से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब किसी को गालियां दी जाती हैं और किसी को नीचा दिखाया जाता है तो वो मुरझा जाता है, और जब किसी की बढ़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। 200 से 250 साल अंग्रेजों ने हमको गालियां दी, तुम भारतवासी निकम्मे हो, नालायक हो, नकारा हो, तुम्हारी संस्कृति खराब है, तुम्हारी सभ्यता खराब है, तुम्हारे अंदर कोई दर्शन नहीं है, तुम्हारे पास विज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास तकनीकी नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारी सभ्यता ही पूरी चौपट है। ये अंग्रेजों ने हमको 200 से 250 साल कहा। एक अंग्रेज ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर चौथे ने कहा, फिर पांचवें ने कहा, फिर एक अंग्रेज आया जिसका नाम था टीबी मैकॉले। उसने कहा कि एक एक अंग्रेज आता है और भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो परमानेंट गाली देने वाली हो। एक अंग्रेज आया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने ये सब भारतवासियों को सारे बुरे बुरे जो भी बातें हो सकती हैं वो कहीं भारतवासियों को, भारतीय चोर थे, हाँ चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, लपट थे, सारी बुरी गालियां, गाय का मांस खाते थे। हाँ अच्छा देखो, कोई भी हिंदू इस बात को मानने के लिए, कोई भी भारतीय आर्य इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हो सकता। आज भी इस देश में हिंदू आर्य कुछ भी कहिए उनको, वो भी मांस खाते हैं, लेकिन आज तक मैंने एक भी हिंदू को गो मांस खाते नहीं देखा। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले खाते थे, लेकिन आज तक हमें अभी भी पढ़ाया जा रहा है हमारी पाठ्य पुस्तकों में, अभी भी है जी राजीव जी। और इसी तरह से एक सबसे बड़ी गाली जो हमको मिली, मैं सभी गालियों में सबसे खराब मानता हूं उसको, कि हम आर्य लोग बाहर से आए और हमने भारत के द्रविड़ों के ऊपर आक्रमण और हमला करके कब्जा कर लिया,
और द्रविड़ों को मारते मारते दक्षिण भारत में धकेल दिया और पूरे उत्तर भारत पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ी गाली है जो हमें 250 साल अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों के पहले यही गाली हमको फ्रांसीसी देते थे, ऐसी गालियां देते थे हम, और अभी भी दी जा रही है। और फ्रांसीसियों से पहले ये गाली हमको पुर्तगाली लोग दिया करते थे। माने पिछले 500 साल से अगर आप ध्यान से देखें, सुने, समझें, तो हमको इसी तरह की गालियां दी गई। अब वो गालियां सुनते सुनते एक अंग्रेज आता था गालियां देके जाता था, दूसरा आता था देके जाता था, तीसरा आता था देके जाता था। एक टीबी मैकॉले नाम का अंग्रेज आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया कि ये एक एक अंग्रेज भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो भारतवासियों को परमानेंट गाली देने वाली हो। उस व्यवस्था को उसने कहा एजुकेशन, उसी का नाम है शिक्षा व्यवस्था। और ये वो 1840 में देके चला गया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हाँ, एक कानून बनाया उसने। जब वो भारत में आया तो यहां जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था भारत में, उसको कहते थे गवर्नर जनरल। आज उसकी हैसियत है प्रधानमंत्री की। आज का जो प्रधानमंत्री है, अंग्रेजों के जमाने में वो गवर्नर जनरल होता था। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल का वो मेंबर होके आया था और उसको बहुत अधिकार थे टीबी मैकॉले को। टीबी मैकॉले के लिए जो पत्र भेजा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत के गवर्नर जनरल को, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो विचार व्यक्त करेगा वही नीति बन जाएगी। इतनी ऊंची अधिकार और अथॉरिटी के साथ उसको भेजा गया। तो मैकॉले ने आके जो सबसे खराब काम एक किया हमारे हिसाब से और अंग्रेजों के हिसाब से सबसे अच्छा काम, कि उसने लगातार गाली देने वाला एक तंत्र बना दिया, जिस तंत्र का नाम उसने रखा शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन। और इस एजुकेशन में इस तरह से विषय डाले गए कि हर एक विषय भारतवासियों को गाली देने वाला सिद्ध हो और भारतवासी लगातार ये गालियां सुनते सुनते मुरझा जाएं और आत्मग्लानि की स्थिति में पहुंच जाए, उनको अपने धर्म संस्कृतियों के प्रति घृणा हो जाए। उसने जो इतिहास बताया हमारे देश में, जो इतिहास हम पढ़ते हैं, उस इतिहास को जानबूझकर राजाओं का इतिहास बताया। आप जानते हैं हमारा पूरा इतिहास, आज आप पढ़ें जो मैकॉले के द्वारा रचित है या मैकॉले एजुकेशन के द्वारा दिया हुआ है, उस इतिहास में राजाओं के बारे में ही कहानियां हैं, प्रजा के बारे में कहीं कुछ नहीं है, ऋषियों के बारे में कुछ नहीं। हमारे एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाइयां हो रही हैं, तो सारे इतिहास में लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सब एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो समाज कहां बचेगा? समाज तो खत्म हो जाएगा, भारत तो 1000 साल पहले ही खत्म हो जाता अगर हर एक राजा दूसरे से लड़ रहा होता। अपना आज का इतिहास पढ़ें तो एक ही बात समझ में आती है, ये राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा ने उससे लड़ाई की, उसने इस पर चढ़ाई की, उसने उसकी पत्नी को माने दबोच लिया, उसने उसकी राज्य की सल्तनत को खींच लिया। यही सारी कहानियां पूरे इतिहास में है। ये मैकॉले का रचित इतिहास है जिससे हमको इतनी आत्मग्लानि पैदा हो जाए कि हमारे पुरखे तो लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ करते ही नहीं थे। आप मुझे एक मोटी सी बात बताइए, अगर कोई समाज लगातार लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो वेदों की रचना कर सकता है? कोई समाज हमेशा लड़ता रहे, झगड़ता रहे, हजारों हजारों वेदों की ऋचाएं लिख सकता है? अगर कोई समाज हमेशा लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो उपनिषदों की रचना कर सकता है? कोई समाज अगर लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो नीति वाक्यों के लिए लड़मर सकता है? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतिहास पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि किसी राजा को लड़ाई से फुर्सत ही नहीं, और किसी साम्राज्य में शांति नाम की कोई चीज नहीं। तो मैकॉले ने इतिहास ऐसा दे दिया, और उस इतिहास में प्रजा गायब है, ध्यान रखिएगा, राजा ही राजा हैं, और राजाओं की अच्छाइयां गायब हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। इसने उस पर हमला किया, उसने उस पर हमला किया, इसने इसको मारा, उसने उसको पीटा, उसने उसका राज्य छीन लिया, इसने उसका राज्य छीन लिया। इसी तरह का इतिहास हम पढ़ते हैं, और अगर इसी तरह का इतिहास पढ़ेंगे तो कैसा दिमाग बनेगा हमारा? वैसा ही बनेगा जैसा मैकॉले चाहता था। इसी तरह से हम भारत के
दूसरे शास्त्रों की बात करें, हम गणित की बात करें, मैं एक उदाहरण से कहता हूं, मैंने बचपन में गणित पढ़ा है। अंग्रेजी स्कूलों में कैसा गणित पढ़ाया जाता वो आप में से भी कई जानते होंगे। मैकॉले ने कैसा गणित पढ़ाया हमको, एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। गणित में मुख्य काम किसी भी बच्चे को सिखाने का क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये चार मुख्य क्रियाएं हैं गणित में, जो प्राथमिक स्तर पर हर बच्चे को सिखाई जाती है। तो हमें जोड़ना सिखाना है, या घटाना सिखाना है, या गुणा करना सिखाना है, या भाग देना सिखाना है। तो सिखाने के लिए मैकॉले सिस्टम का सवाल कैसे लिखा जाता है वो एक सवाल बताता हूं आप। मुझे बचपन में गणित जब सिखाया जाता था, तो आपने भी सीखा होगा, तो मुझे एक सवाल आता था, डैडी ने 10 रुपए दिए। अब ये अंग्रेजी में होता था, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। अब डैडी शब्द है, पिताजी नहीं है, डैडी है। डैडी का माने होता है DEAD, डैड माने मरा हुआ, डैडी माने मरे हुए जैसा। ये उसका अंग्रेजी में हिंदी अर्थ है, मरे हुए जैसा। तो पिताजी नहीं है, पिताश्री नहीं है, डैडी ने 10 रुपए दिए, या पापा जी ने 10 रुपए दिए। पापा नाम के शब्द का कोई अर्थ आज तक दुनिया में किसी को नहीं मालूम, और हम बोलते रहते हैं अपने अपने पिताजी को पापा 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 पापा। पापा का कोई अर्थ ही नहीं है किसी भी भाषा में। तो पिताजी ने 10 रुपए दिए, मान लीजिए मैंने उसको संशोधित कर दिया, पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा। अब देखो सवाल देखो, पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा। हम क्या सिखाना चाहते हैं, घटाना, सब्स्ट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं, घटाना। उदाहरण क्या लिया, पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तब कितना बचा। अब बच्चा बचपन से ये सवाल करना शुरू करेगा, तो 2-3 साल के बाद वो पूछेगा, चॉकलेट किसकी खाऊं, कैडबरीज की कि नेस्ले की। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बार बार वो ये सवाल हल करेगा, पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तो एक दिन पूछेगा, चॉकलेट कैडबरीज की खाऊं कि नेस्ले की, क्योंकि टीवी में रोज विज्ञापन में वो देखता है कि चॉकलेट 2 ही कंपनियां बेचती हैं, या तो कैडबरीज या तो नेस्ले। तो हमने बच्चे को घटाना नहीं सिखाया, हमने बच्चे को घटाना सिखाने के बहाने चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया। अगर यही सवाल मुझे सिखाना हो, मैं भारतीय आदमी हूं, और वैदिक पद्धति में अगर ये सवाल सिखाना हो, या वैदिक पद्धति की ना भी बात करूं, भारतीय पद्धति में ये सवाल सिखाना हो, तो माफ करेंगे इसको सिखाने के लिए, मैं ऐसे सिखाऊंगा, पिताजी ने 10 रुपए दिए, मैंने 5 रुपए किसी गरीब को दान कर दिए, बताओ कितना बचा। सवाल तो एक ही है ना, घटाना ही सिखा रहे हैं हम, 10 में से 5 गए 5 बचा, यही हम उसको सिखा रहे हैं। लेकिन सवाल की जो भाषा है, वो एक जगह पिताजी ने चॉकलेट के लिए 5 रुपए दे दिए, दूसरी जगह पिताजी ने दान करने के लिए 10 रुपए दिए। अगर हर बच्चा 2-3 साल यही सवाल करेगा करेगा करेगा, तो एक दिन पूछेगा, ये दान क्या होता है, फिर पूछेगा दान क्यों देना चाहिए, फिर पूछेगा दान किसे देना चाहिए। अगर वो दान के बारे में पूछने लगेगा, दान क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्यों देना चाहिए, तो अपने आप वो भारतीयता में आ जाएगा। और अगर 10 रुपए में से 5 रुपए की चॉकलेट खाएगा, तो हमेशा वो अंग्रेजी सभ्यता में ही जाएगा। और एक उदाहरण से, मैं बचपन में जब पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, तो हमको कहते थे ऐसे लिख के लाओ, हमको होमवर्क दिया जाता था, ऐसे लिख के लाओ। तो हमारी टीचर को क्या विषय सूझते थे ऐसे के लिए, वो कहती थी तुम पिकनिक मनाने गए, उस पर ऐसे लिख के लाओ। अब मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा और उस पर ऐसे लिखकर लाऊंगा, माने निबंध लिखकर लाऊंगा पिकनिक के ऊपर, तो 100% मुझे अंग्रेज और यूरोपीय सभ्यता में ही जाना पड़ेगा। मुझे ये कभी नहीं कहा किसी भी टीचर ने कि तुम निबंध लिखकर लाओ,
तुम माता पिता के साथ तीर्थ स्थान की यात्रा करने गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, उसका लिख के लाओ। ये कभी भी किसी कक्षा में मुझे ना किसी ने पढ़ाया ना सिखाया, मुझे हमेशा ये सिखाया, ऐसे लिख के लाओ। पिकनिक पर गए और पिकनिक पर गए तो डबल रोटी ले गए, पाव रोटी ले गए, टमाटो केचप ले गए, तो बटर ले गए, तो ये सब यूरोपीय सभ्यता की चीजें ले गए और इनमें से ये हमने खाया, दूसरों को खिलाया, ये सब लिख के लाओ। तो बच्चे का दिमाग तो पूरी तरह से उपभोक्ता बनाने के लिए हमने पूरी शिक्षा तैयार की है। माफ करिएगा, आज की जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था है ये हमको नागरिक नहीं बनाती है, कंज्यूमर बनाती है, उपभोक्ता बनाती है। वो चाहे लक्स का हो या लाइफ बॉय का हो या कैडबरीज का हो या नेस्ले का हो। और मैं ऊंची शिक्षा की भी बात कर रहा हूं, ऊंची कक्षाओं में जो शिक्षा दी जाती है माध्यमिक स्तर तक और उसके आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये शिक्षा भी हमको कंज्यूमर बनाने के लिए ही है। बस कंज्यूमर अलग अलग तरह का है। जब बचपन की शिक्षा है वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाने के लिए है, और हायर एजुकेशन है वो किसी यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप की, उसका कंज्यूमर बनाने के लिए हमको शिक्षा दी जाती है। इंजीनियरिंग में हमारे देश के लाखों विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है उसका अंतिम उद्देश्य एक ही है कि ये विद्यार्थी भारत छोड़कर अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, फिर वहां पर सेवाएं दे, क्योंकि वहां एक इंजीनियर तैयार करने में उनको करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं और यहां से उनको वो फोकट में मिल जाता है। तो ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो आज हम ढो रहे हैं हमारे कंधे पर, मैकॉले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था, इतिहास उसी समय का पढ़ाया जा रहा है, भूगोल भी हमने नहीं बदला हमारा, भूगोल भी अंग्रेजों के जमाने का जो तय हो गया है वही भूगोल हम पढ़ते हैं, सिविक्स और इकोनॉमिक्स वही पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पता है सारी की सारी थ्योरीज जो पढ़ाई जाती है वो सब वेस्टर्न थ्योरीज हैं। अर्थशास्त्र का आप में से कोई भी विद्यार्थी होगा जो एमए इन इकोनॉमिक्स करता हो या पीएचडी इन इकोनॉमिक्स उसने किया हो, उसको सारे सिद्धांत जो पढ़ाए जाते हैं वो पश्चिमी विचारकों के सिद्धांत हैं। एक भी हिंदुस्तानी अर्थशास्त्री विचारक का कोई सिद्धांत अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ाया जाता। इस देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री विचारक जो माना जाता है वो चाणक्य है। चाणक्य का एक भी सिद्धांत एमए इकोनॉमिक्स में नहीं है, बीए इकोनॉमिक्स में नहीं है, इंटरमीडिएट में नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, उसके पहले भी कहीं नहीं है। सारे के सारे पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत। इसी तरह से एक दर्शन शास्त्र विषय पढ़ाया जाता है, फिलोसॉफी, पूरा का पूरा फिलोसॉफी भरा पड़ा है पश्चिमी विचारकों से। देकार्ते का थ्योरी पढ़ लीजिए, लेबिनिज का थ्योरी पढ़ लीजिए, अरस्तु का थ्योरी पढ़ लीजिए, और या सुकरात का थ्योरी पढ़ लीजिए। और उनके थ्योरीज जब मैंने पढ़ने शुरू किए तो इतनी हंसी आती है कि ऐसे मूर्ख विचारकों की थ्योरीज अगर हम पढ़ते हैं तो हम मूर्ख ही पैदा होंगे, अकल वाले तो हो नहीं सकते। आपको एक छोटा उदाहरण दूं, सुकरात का नाम आपने सुना है, द ग्रेट ग्रेट फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे पश्चिमी समाज का सबसे बड़ा विचारक और दर्शन शास्त्री। और उसके बाद अरस्तु का नाम आपने सुना है। दोनों की एक मान्यता सुनना ध्यान से और फिर सिर पीटना अपना कि अगर यही महान दर्शन शास्त्री हैं वो, तो फिर हमारे सबसे खराब दर्शन शास्त्री उनसे अच्छे। दोनों स्वामी जी कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती। ध्यान से सुनना इसको, माताएं बहनें और ज्यादा ध्यान से सुने इसको। अरस्तु कहता है और ये सुकरात अरस्तु दोनों कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती, स्त्री ऐसे होती है जैसे मेज या कुर्सी, कुर्सी और मेज को कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है, स्त्री को भी कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है। ये दर्शन है सुकरात का, ये दर्शन है अरस्तु का, जिस पर हमारे यहां बड़े बड़े लोग पीएचडीज करते हैं। और एक जगह तो सुकरात इतनी खराब बात कहता है, स्त्री ऐसे होती है जैसे कोई कपड़ा, जब जरूरत पड़ी उतार के फेंक दिया, जब जरूरत पड़ी पहन लिया। और अरस्तु तो उससे भी एक कदम आगे जाके कहता है कि कपड़ा शरीर पर हमेशा नहीं धारण किया जा सकता, इसलिए स्त्री को भी हर समय साथ में नहीं रखा जा सकता।
आप इससे भी ज्यादा सिर पीटेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं। ये सुकरात के विचार हैं, ये अरस्तु के विचार हैं, और अरस्तु और सुकरात ये दोनों कहते हैं, इन दोनों की मान्यताओं को आज तक पश्चिमी समाज खंडित नहीं कर पाया। लेबनिट्ज भी वही कहता है, डिकार्ते भी वही कहता है, और उसके बाद के सारे फिलोसोफर्स यही मानते हैं। इसलिए महिलाओं के प्रति पश्चिमी समाज में कोई आदर भाव नहीं है। महिला वस्तु की तरह है, इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो, फिलोसफी में से आया। कोई भी जीवन दर्शन जो है ना, वो फिलॉसफी से निकलता है। एक मूल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी सभ्यता दर्शन में से निकलती है। समाज का जैसा दर्शन होगा, सभ्यता वैसी ही बनती चली जाएगी। पश्चिमी समाज का दर्शन स्त्रियों के बारे में यह है कि स्त्री वस्तु की तरह से है, उसमें आत्मा नहीं है। आपको एक जानकारी दूं, सन 1950 तक ब्रिटेन में, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, सन 1950 तक ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में और डेनमार्क में, इतने देशों में सन 1950 तक किसी भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। आपको मालूम है ये बात? अमेरिका में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 1952 के बाद मिला, और सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका के किसी भी देश में स्त्रियों को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था। बैंक अकाउंट या तो उसके पति का हो सकता है, या उसके बेटे का हो सकता है, या भाई का हो सकता है, किसी महिला का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता। और 1950 तक पूरे यूरोप और अमेरिका में कोई स्त्री घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती, भले बाहर जाना हो तो 4 साल के पिद्दी से भाई को साथ लेना पड़ेगा, भले वो लड़की 20 साल की हो। 4 साल का भाई है उसका, जो कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, वो उसके साथ जाएगा, वो अकेली नहीं जा सकती। इतनी पाबंदियां महिलाओं पर लगाकर रखी हैं पश्चिमी समाज ने, इसलिए वहां पर विमेंस लिबरलाइजेशन नाम का आंदोलन चला, जो सैकड़ों साल तक चला, और उस आंदोलन की थोड़ी सी सफलता मिली कि 1952 में आके कुछ देशों ने वोट देने का अधिकार दिया, 1957 में आकर कुछ देशों में स्त्रियों में बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार मिला। और आपको मालूम है, अभी 20 साल पहले तक यूरोप में स्त्रियों की तनख्वाह और पुरुष की तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर था। अभी 20 साल पहले तक कोई एक काम आप करो तो पुरुष को अगर $100 मिलेंगे तो स्त्री को वही काम करने के $30 ही मिलेंगे। क्यों? कहा जाएगा इसमें तो आत्मा नहीं है। और मुझे बहुत खराब लगता है ये कहते हुए कि यूरोप और अमेरिका में अभी 20 साल पहले तक 3 स्त्रियों की गवाही 1 पुरुष के बराबर होती थी। 3 स्त्री जो बात कहेंगी, 1 पुरुष वो कहेगा, ये बराबर माना जाता था। ये उनकी सभ्यता है, ये उनका दर्शन है। अब ये सभ्यता और ये दर्शन लेकर टीबी मैकॉले भारत आया। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सब आपको भूमिका बनाने के लिए कहा, क्योंकि टीबी मैकॉले किस समाज का आदमी था? पश्चिम का आदमी था, ब्रिटेन का आदमी था। वो लेबनिट्ज को भगवान मानते हैं, वो देकार्ते को भगवान मानते हैं, वो अरस्तु को भगवान मानते हैं, वो सुकरात को भगवान मानते हैं। उन्हीं देशों से आया मैकॉले, तो उसकी मानसिकता भी वही थी, स्त्रियों के विरोध में। और आया तो पूरी शिक्षा व्यवस्था उसने ऐसी डिजाइन की जो 100% स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है, स्त्रियों को हतोत्साहित करने वाली है और स्त्रियों को अपमानित करने वाली है। हर खंड खंड पर आप देखेंगे इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों का जितना अपमान होता है शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता, और वही शिक्षा व्यवस्था हम ढोते हुए चले आ रहे। हमारे देश का दर्शन है, हमारे देश की सभ्यता है कि स्त्री सबसे बड़ी गुरु होती है, मां सबसे बड़ी गुरु होती है, हमारे देश का दर्शन है और सभ्यता है। मैंने स्वामी जी एक जगह पढ़ा, भारतीय दर्शन पढ़ रहा था, तो नाम भूल गया हूं दर्शन शास्त्री का, याद आएगा तो बताऊंगा। उसने एक वाक्य लिखा, स्त्री से ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई नहीं होता। और उस दर्शन शास्त्री ने यहां तक लिखा है कि पुरुष में पवित्रता तब आती है जब वो स्त्री की कोख से जन्म लेता है,
अन्यथा उसमें पवित्रता नहीं होती है। और यही बात उसने पति के लिए लिखी कि जब कोई कुंवारा लड़का शादी करता है तब पवित्रता के थोड़े से अंश को पहचान पाता है। आपको मालूम है हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर यह सिद्धांत अभी भी लागू है, अगर आपके पास आपकी धर्मपत्नी नहीं है तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते आप। ऐसे भारत में मंदिर हैं और वो भारतीय दर्शन पर चलते हैं, वो कहते हैं आप पवित्र नहीं है अगर आपके साथ आपकी पत्नी नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि पत्नी ना हो तो पुरुष का दिमाग कितना लंपट होता है उसका अंदाजा नहीं है अगर वो योगी नहीं है तो। योगी है तो उसका अपना कंट्रोल है इंद्रियों पर मन पर, योगी नहीं है तो वो पता नहीं कहां कहां जाएगा, कहां कहां मुंह मारेगा, चरेगा, खाएगा, कुछ मालूम नहीं। एक बात सीधी सी यही है इसमें तो कि व्यक्ति जो है एक इंसान जिसको हम पुरुष कहते हैं, पुरुष कोई आसमान से तो गिरा नहीं, जितने भी पुरुष आए मां के कोख से आए, इसलिए पुरुष में जितनी भी शक्तियां हैं जितनी भी पवित्रताएं हैं उनका स्रोत मां है, उनका मूल मां है। अब ये हमारी दर्शन है भारत की, इस दर्शन को यूरोप में कोई नहीं मानता, हम मानते हैं। तो हम जिस दर्शन को मानते हैं वैसी हमारी सभ्यता होगी और वैसी ही संस्कृति होगी, यूरोप वाले जिस दर्शन को मानते हैं वैसी उनकी सभ्यता होगी, वैसी संस्कृति होगी। तो यूरोप की सभ्यता और संस्कृति जैसी होगी वैसी ही उनकी शिक्षा भी होगी, और जैसी हमारी सभ्यता और संस्कृति होगी वैसी हमारी शिक्षा होगी। तो हम जब गुरुकुल की शिक्षा लेते थे, भारत की अपनी शिक्षा होती थी, तो उसमें स्त्री माँ थी, स्त्री दुर्गा थी, स्त्री हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत थी, महिला सारे के सारे काम का केंद्र बिंदु थी। ये गुरुकुलों की शिक्षा से दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज हैं अंग्रेजों के जमाने के, इस देश में आधे से ज्यादा विश्वविद्यालयों की कुलपति महिलाएं थी, स्त्रियां थी आधे से ज्यादा, और विश्वविद्यालय स्तर के गुरुकुल थे। तो महिलाओं को हमारे यहां दर्जा है बहुत ऊंचे स्तर का और महिलाओं को दर्जा है यूरोप में बहुत नीचे स्तर का। तो यूरोप के लोग जब शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन करेंगे तो महिला का स्तर उसमें नीचे से नीचा रहेगा, और हम जब शिक्षा की डिजाइनिंग करेंगे तो महिला का स्तर ऊंचे से ऊंचा रहेगा। तो यूरोप की शिक्षा व्यवस्था ले लेकर हम जो 250 साल से परेशान हुए हैं और हमारा दिमाग खराब हुआ है, वो दिमाग ऐसा ही खराब हुआ है कि स्त्री को आज हमारे देश में भोग की वस्तु, उपयोग की वस्तु बनाकर इस पूरी शिक्षा व्यवस्था ने छोड़ दिया है। आज हमारे देश में स्त्रियों का वही हश्र है जो यूरोप में 50 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि हम 200-250 साल से अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो हमें करना क्या, उसकी पवित्रता नष्ट कर रहे हैं जी, उसको पबों में ले जाना चाहते हैं, उसको जो है शराब खानों में ले जाते हैं, शराबी डांस घरों में ले जाते हैं, हमारे यहाँ मॉडर्न होने के नाम पर महिलाओं को यही तो कर रहे हैं ना, उनको नचाते। हमने स्त्री को मान लिया नाचने की चीज, पहले नाचने वालियों को सबसे घटिया मानते थे, और आज कोई नाचने वाली आ जाए तो पूरा गांव, पूरा देश पागल हो जाता है, क्या तमाशा हो रहा है। गांव में नौटंकी आ जाए स्वामी जी तो सब काम छोड़ के इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं व्याख्यान देने किसी गांव में गया, नौटंकी वाले आए हुए, व्याख्यान सुनने कोई नहीं आया, सब नौटंकी में बैठे, और नौटंकी में इतनी गंदी गंदी बातें महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए कही जाती हैं और बोली जाती हैं कि कोई कान में रुई ठूस ले फिर भी तकलीफ हो उसको। तो हमने गड़बड़ कर दिया 250 साल दिमाग में, एक तो 250 साल सुनते रहे अपने बारे में गालियां, और फिर स्त्रियों के बारे में ये मान्यता जो मैकॉले की और यूरोप के दार्शनिकों की, और उसी मान्यता पर आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था, तो सारी शिक्षा व्यवस्था ने सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है तो हमारी महिलाओं को दिया है। मुझे सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ पता है किस बात की होती है, सबसे बड़ा दुख और तकलीफ मेरा क्या है कि मैंने जो पढ़ा वो मेरी मां को नहीं मालूम, और मेरी मां अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकती। आप सोचो किसी बेटे और मां के बीच में इतनी दूरी आ जाए कि उसका बेटा क्या पढ़ रहा है उसकी मां ना जानती हो और मां बेटे को पढ़ा ना सकती हो, इससे बड़ी टूटन और खराब किसी भी समाज में क्या हो सकती है कोई चीज।
हमारे देश में ज्यादातर माताओं का यही हाल है, उनके बच्चे बेटे या बेटी क्या पढ़ रहे हैं वो खुद नहीं पढ़ा सकती, इसलिए ट्यूटर रखना पड़ता है, और ट्यूटर क्या पढ़ा के जाता है, मां को कुछ नहीं आता है। क्यों? शिक्षा व्यवस्था से मां पूरी तरह से गायब है, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन ऐसे की गई है जिसमें मां का कोई रोल ही नहीं है। हम गुरुकुल की शिक्षा में सबसे बड़ा गुरु मां को मानते हैं, और यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था टीवी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा गुरु मैकॉले हो गया, मां नहीं है। और वो मैकॉले हो गया जो मानता ही नहीं है कि मां में कोई आत्मा भी होती है, वो तो वस्तु है यूज एंड थ्रो के लिए। तो ये एक छोटी सी बात मैंने थोड़ा विस्तार करके कही कि हमको हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलनी है तो क्या क्या बदलना है। भाषा बदलनी है, वो तो स्वामी जी ने कहा, भाषा के साथ हमें कंटेंट बदलना है, टेक्स्ट बदलना है, जो मां विरोधी है, स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है। इसके आगे हम चलेंगे तो विषय भी बदलने हैं हमको। आप में से मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी यहां बैठा हो जिसने एमएससी मैथमेटिक्स किया हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में हम इतने विषय पढ़ते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आते। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, डायनामिक्स पढ़ते हैं, सब रद्दी और एकदम बेकार। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जो किसी काम की नहीं है शायद। हां, कब से शुरू हो गया? 12th से शुरू हो गया, और तकलीफ की स्थिति। पहले एमएससी में होता था, बीएससी में, अब 12th से शुरू हो गया। तो आप सोचिए कि जो विषय जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाले, मैंने डायनेमिक्स पढ़ा, मैंने स्टैटिक्स पढ़ा, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, आज तक मेरी जिंदगी में एक बार भी काम नहीं आया। तो मैं मेरे गणित के अध्यापकों को जब भी मिलता हूं पूछता हूं, आपने मुझे ये सब क्यों पढ़ाया, तो मेरे तो काम नहीं आया। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। तो मेरे अध्यापक कहते हैं, हमको किसी ने पढ़ाया, हमने तुमको पढ़ा दिया, तो भेड़िया धसान चल रहा है ये इस देश में। और मैं आपको विनम्रता से और ईमानदारी से बताता हूं, मेरी दादी ने मुझको ढैया पोना सवैया पढ़ाया था। ढैया पोना सवैया समझते? ये पुराने गांव के लोग ही पढ़ा सकते हैं, आजकल कॉन्वेंट वालों को तो कुछ समझ में नहीं आता ढैया पोना सवैया। मेरी दादी जो कभी स्कूल नहीं गई, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी, एकदम हरफ निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर अगर आप उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसने मुझे ढैया पोना सवैया के पहाड़े सिखाए, और वो रोज मेरे जिंदगी में काम आते हैं, हर समय मेरी जिंदगी में काम आते हैं। दादी स्वर्गवासी हो गई है तो भी मेरे काम आ रहे हैं, और अगले जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे काम आए। भारतीय गणित है ना ये। तो मेरा कहना है कि जो चीज जिंदगी भर काम आती है वो हम क्यों नहीं पढ़ाएं? स्त्रियों को सम्मान देने वाली बातें हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्यों ना हो? विषय हमारे ऐसे होने चाहिए, सारे विषय एक तरफ से ऐसे होने चाहिए जो स्त्री को सम्मान दे सके, क्योंकि गुरु हमारी मां ही है। तो स्त्रियों को सम्मान आ सके ऐसा टेक्स्ट बनाना है, ऐसा सिलेबस बनाना है। हमारे देश में हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, ना कि किसी कंपनी के उपभोक्ता। आजकल एक सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना, सर्व शिक्षा अभियान का एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति को एबीसीडी सिखाना। और एबीसीडी सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है? टीवी पर आने वाले विज्ञापन वो पढ़ सके, एल फॉर लक्स, पी फॉर पेप्सी, सी फॉर कोका कोला, ये बताना उसको। एबीसीडी बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। वो कहते ना साक्षरता साक्षरता साक्षरता, शिक्षा की बात नहीं करते, साक्षरता की बात करते हैं, ताकि विज्ञापनों में फर्क आप पढ़ सकें और एक अच्छी कंपनी के अच्छे उपभोक्ता बनकर अपनी जेब कटवा सकें और उस कंपनी की लूट बढ़ा सकें। तो हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था जो कंज्यूमर बनाने के लिए मैकॉले हमारे यहाँ छोड़कर गया, इसको बदल देना है, और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनाने की शिक्षा व्यवस्था हमें है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है, और यही हम करें, यह हमारी अभीष्ट इच्छा है। धन्यवाद, आभार।